नमस्कार मित्रों, नर्मदे हर नर्मदा स्टोन शिवलिंग से मैं शुभम कर्मा आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं सुबह का समय हो रहा है, अभी अभी हम लोगों ने दुकान ओपन करी है और हमारी दुकान पर ये महाराज जी पधारे हैं। ये महाराज जी अपनी गाड़ी से संपूर्ण भारत का भ्रमण कर रहे हैं, जो कि अकेले हैं। ये सुंदर कांड करते हैं, प्रत्येक गाँव प्रत्येक शहर के मंदिरों में जाकर। आइए इनसे जानते हैं कि ये बकावा किस तरह से पधारे। दोस्तों, मैं बाबा घोर भद्र जी महाराज इस समय बकावा में हूँ। ये खरगोन जिले में है, मध्य प्रदेश में, नर्मदा जी का तटीय क्षेत्र है, तट का गांव है। यहाँ पर जो है विश्वकर्मा जी के दुकान में मैं आया हूँ और यहाँ पर शिवलिंग पूरे भारत में जाता है। दोस्तों, इंडस्ट्री है और जो भी शिवलिंग नर्मदा जी से नेचुरल निकलता है वही यहाँ पर जो है तराशने का काम किया जाता है। तमाम ओम ओम की आकृति और जो है जो भी आकृतियाँ हैं, तो आकृति ये लोग नहीं बनाते, केवल तराशते हैं बस। और नर्मदा जी का ओरिजिनल जो है रियल जो शिवलिंग अगर आपको लेना है तो यहाँ पर आइए इनके दुकान में। नर्मदा स्टोन शिवलिंग के नाम से इनका है और बहुत अच्छे सज्जन लोग हैं, आपको रिजनेबल रेट में मिलेगा। और मैं यहाँ पर देखा, बहुत प्रसन्नता हुई मुझे। अब दोस्तों, मैं सुंदर कांड कर रहा हूँ, पूरे भारत में भ्रमण करते करते आज बकावा पहुँचा। नाम पहले से सुना था, ये बगल में सियाराम बाबा का भी आश्रम है, तेली भटियान गांव है, उसके ठीक बगल में ये भी है। ये खरगोन जिले में जो नर्मदा जी का बहुत अच्छा एरिया है, बगल में आप जो है मतलब खंडवा और बुरहानपुर से भी आ सकते हैं और इधर खरगोन इंदौर से भी आ सकते हैं। मालवा का क्षेत्र होते हुए ये सब पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर आइए और अपने जहाँ भी आपको शिवलिंग लेना हो तो यहाँ पर जरूर आइए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है यहीं से जाता है। दोस्तों, यही कहना चाहूँगा और क्या पूछना चाहेंगे जी। भगवान, आप आपके बारे में बताइए कि आप बकावा किस तरह से पधारे और आप किस तरह से कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या आपकी कहाँ कहाँ भारत में भ्रमण कर रहे हैं। मैं हनुमान जी का जो है सुंदर कांड करता हूँ। मैं किष्किंधा से चला हूँ, किष्किंधा दक्षिण भारत कर्नाटक में है, वहाँ हनुमान जी का जन्म स्थान है। वहाँ से मैंने संकल्प लेकर के पूरे भारत का भ्रमण कर रहा हूँ, सुंदर कांड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में रामचरितमानस के प्रति जागरूकता कम हो गई है। इसलिए युवाओं को, जो युवा हैं, जो मैकाले शिक्षा प्रणाली से पढ़े हुए लोग हैं, उनको अपना रामचरितमानस अवश्य पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर सियाराम बाबा हमेशा रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। और मैं अभी मांडव गया था, अपना धार जिले में राजा भोज की राजधानी है, और उधर भी मैं देखा धार्मिक एरिया है पूरा। हर जगह जहाँ आप जाएंगे पूरा धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं पूरे भारत के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि अपने धर्म के प्रति सजग रहें, बस यही मेरा कहना। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद।